हेलो बच्चों, लेक्चर नंबर 4 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर नंबर 4 में हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ व लौह चुंबकीय पदार्थ की विशेषताएं पढ़ेंगे। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की विशेषताएं, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय व लौह चुंबकीय। पदार्थों की विशेषताएं, सम फीचर्स ऑफ डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो आइए पहले हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ की विशेषता पढ़ते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, डायमैग्नेटिक मटेरियल, पहली विशेषता इसकी ध्यान से समझिएगा, ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जो जो गुण प्रतिचुंबकीय पदार्थ में हैं लगभग विपरीत अनुचुंबकीय पदार्थ में मिलेंगे, इसलिए हम इसको क्रमबद्ध पढ़ करके अनुचुंबकीय पदार्थ से इसको रिलेट करा देंगे। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें नंबर 1, चुंबकीय सिरे के पास ले जाने पर ये मामूली से प्रतिकर्षित होते हैं। फिर से सुन लें, प्रतिचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय सिरों के पास लाने पर ये मामूली से प्रतिकर्षित होते हैं। नंबर 1, इन्हें चुंबकीय सिरों के समीप लाने पर मामूली से प्रतिकर्षित होते हैं। ठीक, दूसरा गुण इनका देखिए, इन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने से ये क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली से चुंबकित हो जाते हैं। इन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली अर्थात थोड़ा चुंबकित हो जाते हैं। तीसरा गुण देखिए,
इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय सुग्राहिता का यम कम व ऋणात्मक होती है। इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति कायम कम व ऋणात्मक होती है। इनकी सापेक्षिक चुंबकशीलता एक से कम होती है। इनकी सापेक्षिक चुंबकशीलता एक से, इसको कहेंगे म्यू आर, एक से कम होती है। और देखिए कि इन्हें चुंबकन क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व निर्वात की तुलना में कुछ घट जाता है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व निर्वात की तुलना में कुछ घट जाता है। ठीक, अब इनके कुछ और गुण देखिए। गुण, जैसे इनका एक गुण है, जब प्रतिचुंबकीय पदार्थ की छड़ शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखी जाती है तो छड़ क्षेत्र की लंबवत दिशा में घूम जाती है और बाह्य क्षेत्र के समान ध्रुव उत्पन्न होता है। जब प्रतिचुंबकीय पदार्थ की छड़ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं
तो क्षण क्षेत्र के लंबवत घूम जाती है। तथा छड़ के सिरों पर बाह्य क्षेत्र के समान ध्रुव प्रेरित हो जाते हैं। जैसे ये देखिए, ऐसे ये क्षण है, ये मान लीजिए उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, और ये बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर हैं। ये देखिए बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर हैं, ठीक। तो यह क्षेत्र के लंबवत घूम गई और इसके सिरों पर सजातीय ध्रुव उत्पन्न होता है। जैसे उत्तरी ध्रुव की ओर का सिरा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की ओर का सिरा दक्षिणी ध्रुव बन जाता है। अभी अभी आपने कहा कि जब प्रतिचुंबकीय पदार्थ की छड़ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखी जाती है तो यह बाह्य क्षेत्र के लंबवत घूम जाती है और छड़ के सिरों पर सजातीय ध्रुव प्रेरित होता है। मतलब उत्तरी ध्रुव के पास उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के पास दक्षिणी ध्रुव उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित हो जाता है। और देखिए गुण, असमान चुंबकीय क्षेत्र में इन्हें रखने से यह कम प्रबलता वाले क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। असमान क्षेत्र में कम प्रबलता वाले क्षेत्र की ओर ये आकर्षित होते हैं। ठीक, जैसे एक प्याली में प्रतिचुंबकीय पदार्थ का घोल लेकर उन्हें शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवों के बीच रखा जाए तो घोल बीच में दब जाता है। जब कांच के प्याली में प्रतिचुंबकीय पदार्थ का घोल शक्तिशाली
चुंबकीय ध्रुवों के बीच रखा जाए तो घोल बीच में दब जाता है। तथा ध्रुवों को दूर ले जाने पर घोल बीच में उठ जाता है। कैसे, ये देखिए, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, यहाँ देखिए ये घोल बीच में यहाँ दब गया। और यही अब इनके बीच की दूरी ये बढ़ा दिए, देखिए ऐसे, तब ये घोल बीच में उठ गया ऐसे। यहाँ उठ गया, ठीक। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बीच में चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, बीच में चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, इसलिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ वहाँ से प्रतिकर्षित होते हैं। आपने कहा है कि चुंबकीय क्षेत्र जिधर निर्बल है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ उधर आकर्षित होते हैं। यहाँ बीच में चुंबकीय क्षेत्र प्रबल है, बीच में बी प्रबल है, ठीक। और यहाँ बीच में बी दूर ले जाने, बीच में बी क्षीण है, कमजोर है, ठीक। और देखिए गुण इसके, तीसरा गुण, प्रतिचुंबकीय पदार्थ का घोल यू नली में, यू ट्यूब में भरने से उसके एक सिरे को शक्तिशाली चुंबक के बीच रखने पर उस सिरे में घोल नीचे दब जाता है। इनका घोल यू नली में लेकर एक सिरा शक्तिशाली ध्रुवों के बीच रखा जाए, इनका घोल यू नली में लेकर एक सिरा शक्तिशाली ध्रुवों के बीच रखा जाए तो
इसमें घोल नीचे दब जाता है। देखिए ऐसे, यहाँ ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो यहाँ घोल ऐसे हो जाएगा, ऐसे। ठीक, यहां देखिए इस सिरे में जहां शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुव रखे हैं वहां घोल नीचे दब गया है, हो गया। यहां देखिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काइम कम तथा ऋणात्मक होती है, यहाँ चौथा यहाँ लिख दे रहे हैं, चौथी विशेषता काइम कम व ऋणात्मक होती है, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं काइम कम तथा ऋणात्मक होती है, हो गया। दिखाइए नहीं पड़ेगा, छोड़िए। यही लिख दे रहे हैं, देखिए नंबर चार, ये काइम यहां लिख दें, चार नंबर, इसमें चार नंबर काइम कम व निगेटिव होता है, काइम कम व निगेटिव होता है, यह ताप पर निर्भर नहीं करता है, ताप पर निर्भर नहीं। ठीक, तो ये सभी गुण, ये सभी विशेषताएं प्रतिचुंबकीय पदार्थ में मिली। फिर से आप सुनिए, ये सब के सब गुण, सब की सब विशेषताएं अनुचुंबकीय पदार्थों में भी जरा देखिए। ठीक, अब हम यहां प्रतिचुंबकीय पदार्थ की जगह अनुचुंबकीय पदार्थ लिख दे रहे हैं, देखिए ये अनुचुंबकीय पदार्थ हो गया। ठीक, अब देखिए यहां आपने लिखा है इन्हें चुंबकीय सिरों के समीप लाने पर मामूली से प्रतिकर्षित होते हैं, तो अनुचुंबकीय पदार्थ में यह आकर्षित होते हैं। ठीक, इसको हम बदल दिए यहां आकर्षित, बोलिए अनुचुंबकीय पदार्थ, यहां अनु लिख दीजिए अनु, यहां तो ठीक है जो था प्रति, तो अनुचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय सिरों के समीप लाने पर वो मामूली से आकर्षित होते हैं। क्लियर, ये हो गया। दूसरा गुण देखिए, इन्हें बाह्य क्षेत्र में रखने पर ये क्षेत्र की दिशा में मामूली से चुंबकित होते हैं, यहाँ देखिए, देखिए क्षेत्र की दिशा में, क्षेत्र की दिशा में, ये मिटा दीजिए। ये दूसरा गुण हो गया कि अनुचुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में लाने से वो क्षेत्र की दिशा में मामूली से चुंबकित हो जाते हैं। पूरा गुण आप मिलाते जाइए, पूरा का पूरा मिलेगा। और आगे तीसरा देखिए, अनचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ससेप्टिबिलिटी काइम कम लेकिन धनात्मक होती है,
ये देखिए कम और ऋणात्मक लिखे हैं, आप धनात्मक लिखिए, धनात्मक, ठीक। अनुचुंबकीय पदार्थों की ससेप्टेबिलिटी का यंग कम व धनात्मक होती है, क्लियर। अगला गुण देखिए, इनकी सापेक्षिक चुंबकशीलता रिलेटिव परमिबिलिटी एक से अधिक होती है, यहां एक से कम था अब यहां एक से अधिक। ठीक, आप देखते जाइए सभी गुणों का मिलान कीजिए, सब एक दूसरे के लगभग उल्टा हैं। फिर देखिए इन्हें चुंबकन क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व निर्वात की अपेक्षा कुछ बढ़ जाता है, प्रतिचुंबकीय में घटा था, देखिए यहाँ घटा था, यहाँ कुछ बढ़ जाता है, इसको बढ़ जाता है लिख लीजिए। ठीक, तो इस ढंग से अनुचुंबकीय पदार्थों के बारे में आपने बताया। पहले अनुचुंबकीय पदार्थों को क्षेत्र के सिरों के पास लाने पर वो मामूली से आकर्षित होते हैं, देखिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ प्रतिकर्षित हो रहा था। दूसरा गुण, प्रतिचुंब अनुचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने से ये क्षेत्र की दिशा में चुंबकित हो जाते हैं। आप प्रतिचुंबकीय पदार्थ पढ़े थे वो क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित होते हैं, उल्टा हुआ, ठीक। तीसरा गुण देखिए, आपने कहा कि इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति का यम कम व धनात्मक होती है, जबकि प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक थी, ये भी उल्टा है, क्लियर। चौथा गुण देखिए, इनकी सापेक्षिक चुंबकशीलता रिलेटिव परमिबिलिटी μr हमेशा एक से अधिक होती है, जबकि प्रतिचुंबकीय पदार्थ में आप पढ़े थे एक से कम होती है, यहाँ भी देखिए उल्टा है। अंत में यह पांचवा गुण देखिए, इन्हें चुंबकन क्षेत्र में रखने से चुंबकीय फ्लक्स घनत्व निर्वात की अपेक्षा कुछ बढ़ जाता है, वहाँ देखिए कुछ घट गया था, क्लियर है। तो ये अनुचुंबकीय पदार्थ के तहत आप इसको लिखेंगे, ठीक। आप अपनी रफ्तार बढ़ा लीजिए, चाहे अपने टेक्निक से लिख लीजिए। और गुण जरा देखिए, जब हम प्रति अनुचुंबकीय पदार्थ की छड़ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वो क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाती है और छड़ के सिरों पर विपरीत ध्रुव प्रेरित होता है, जैसे बाह्य क्षेत्र के उत्तरी ध्रुव की ओर छड़ का दक्षिणी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की ओर छड़ का उत्तरी ध्रुव प्रेरित हो जाता है। देखिए जब, अब यहाँ देखिए यहाँ लंबवत हुआ था, सीधे ऐसे हो जाएगा, इसका हम चित्र देखिए बदल दे रहे हैं, ये देखिए ऐसे ऐसे हो गया, ठीक। ये क्षेत्र के अनुदिश प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्षेत्र के लंबवत होता है, अनुचुंबकीय पदार्थ की छड़ क्षेत्र के अनुदिश हो जाती है इसकी अक्ष। प्रतिचुंबकीय पदार्थ में छड़ के सिरों के बीच ध्रुव बाह्य क्षेत्र के समान होते हैं, उत्तरी ध्रुव उत्तरी की ओर, दक्षिणी ध्रुव दक्षिण की ओर, और यहाँ उत्तरी ध्रुव की ओर इसका दक्षिणी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की ओर इसका उत्तरी ध्रुव होता है, ठीक। तो आपने कहा कि अनुचुंबकीय पदार्थ की छड़ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने से वह क्षेत्र के अनुदिश घूम जाती है, यहाँ क्षेत्र में रखने से छड़ क्षेत्र के अनुदिश, यहाँ लिखिए क्षेत्र के अनुदिश या समांतर, घूम जाती है, क्लियर।
दूसरा गुण रख देखिए, सिरों पर बाह्य क्षेत्र के विपरीत ध्रुव, बाह्य क्षेत्र के विपरीत, विपरीत ध्रुव उत्पन्न होता है। ये भी देखिए उसका ठीक विपरीत है। और यहां देखिए असमान चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक, अनुचुंबकीय पदार्थ अधिक प्रबलता वाले चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होता है। ये देखिए ये कम प्रबलता वाले क्षेत्र की ओर आकर्षित हो रहा था, अनुचुंबकीय पदार्थ अधिक प्रबलता वाले क्षेत्र की ओर आकर्षित होता है। यहां लिख दे रहे हैं अधिक ठीक। अब जब कांच की प्याली में इस अनुचुंबकीय पदार्थ को रखते हैं, कांच की प्याली में अनुचुंबकीय पदार्थ को रखेंगे तो वहां देखिए प्रचुंबकीय बीच में दब जाता था, ये बीच में उठ जाता है, बीच में ये अब क्या करेगा, उठ जाएगा, ऐसे हो जाता है, उठ जाता है ठीक। और यहां जब हम ध्रुव को दूर करेंगे तो ये बीच में दब जाता है, ऐसे यहां दब गया और यहां उठ गया, ये उठ गया ठीक। तो बीच में उठ जाएगा और दूर ले जाएंगे तो यह दब जाएगा। बोलो भाई, आप देखो पूरा का पूरा उल्टा है। आप याद कीजिए अनचुंबकीय पदार्थ के घोल को एक प्याले में लेकर शक्तिशाली ध्रुवों के बीच रखते हैं तो बीच में घोल ऊपर उठ जाता है। आपने कहा कि यह अधिक प्रबलता वाले चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं, बीच में चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है इसलिए उधर आकर्षित होते हैं, घोल ऊपर उठ जाता है। और जब ध्रुवों के बीच की दूरी बढ़ाते हैं तो बीच में प्रबलता घट जाती है जिससे यह अनचुंबकीय पदार्थ अब किनारे की ओर बढ़ते हैं, अतः बीच में ये दब जाते हैं ठीक। प्रचुंबकीय पदार्थ के ठीक उल्टा है। ये देखिए तीसरा गुण, यदि हम अनचुंबकीय पदार्थों का घोल यू आकार की नली में रखकर उसके एक सिरे को शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के बीच रखें तो उस सिरे में घोल ऊपर उठ जाता है, जबकि प्रचुंबकीय में देखिए नीचे था, यहाँ घोल क्या होगा, ये ऊपर उठ जाएगा, ऐसे यहाँ ऐसे उठ जाता है, ऐसे ऊपर उठ जाता है ठीक। इनका घोल यू नली में लेकर एक सिरे को शक्तिशाली रखा जाए तो इसमें घोल, यहां लिख दे रहे हैं, ऊपर उठ जाता है। ऊपर उठ जाता है ठीक। और अंत में आप बता रहे हैं कि अनुचुंबकीय पदार्थों की ससेप्टेबिलिटी कायम सदैव धनात्मक होती है, कायम सदैव धनात्मक होती है, कम तो होती है लेकिन धनात्मक होती है। आप देखे थे प्रतिचुंबकीय पदार्थ में ससेप्टेबिलिटी कायम ताप पर निर्भर नहीं करती थी और यहाँ ये अनचुंबकीय पदार्थ में ये ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहाँ कायम रेसिप्रोकल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ताप पर निर्भर करती है ठीक। अनुचुंबकीय पदार्थों में ससेप्टेबिलिटी कायम परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है।
एक बार फिर से समझ लें, अनुचुंबकीय पदार्थ में सब के सब गुण प्रतिचुंबकीय पदार्थ वाले रहते हैं, लेकिन ठीक उल्टा, ठीक विपरीत। ठीक, तो इस ढंग से ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ हो गया। अब आइए लौह चुंबकीय पदार्थ सुन लेते हैं। भैया, लौह चुंबकीय पदार्थों में इस अनुचुंबकीय पदार्थों के समस्त गुण अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, प्रबलता से पाए जाते हैं, शक्तिशाली रूप में पाए जाते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थों में लौह चुंबकीय पदार्थ, पदार्थों में अनुचुंबकीय पदार्थों के सभी गुण बहुलता में पाए जाते हैं, जैसे इन्हें बाह्य क्षेत्र में रखने से बहुत अधिक चुंबकित होते हैं। इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति कायम एक से बहुत अधिक होती है।
अब क्यूरी का नियम, क्यूरी का नियम क्यूरीज ला, क्यूरी ने अपने प्रयोगों के आधार पर बताया, क्यूरी ने अपने प्रयोगों के आधार पर बताया कि चुंबकीय प्रवृत्ति का यम, अठारह सौ पंचानवे में बताया कि चुंबकीय प्रवृत्ति कायम चुंबकन तीव्रता चुंबकन तीव्रता चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता एच व के अनुक्रमानुपाती, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता एच के अनुक्रमानुपाती वह केल्विन ताप या परम ताप, केल्विन ताप या परम ताप कैपिटल टी के व्युत्क्रमानुपाती, होता है। अतः कायम प्रोपोर्शनल टू एच अपॉन टी इंप्लाइज कायम इक्वल सी टाइम्स एच अपॉन टी, जहां सी क्यूरी नीतांक है, इकाई एम इक्वल सी टाइम्स एच अपान टी, इसको हम समीकरण एक मान लें जहां सी क्यूरी नेतांक है। चूंकि हम जानते हैं काई एम इक्वल आई अपान एच,
काई यम इक्वल आई अपान यच। यहाँ चुंबकन तीव्रता, चुंबकन तीव्रता आई, चुंबकन तीव्रता आई चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता यच के अनुक्रमानुपाती व परम ताप के व्युत्पन्नपाती। मतलब यहाँ आई, ये हुआ आई। फिर से देख लें, क्यूरी ने अपने प्रयोगों के आधार पर बताया कि चुंबकन तीव्रता आई चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता यच के अनुक्रमानुपाती होती है तथा परम ताप कैपिटल टी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इन दोनों को हम इकट्ठा कर दें, सम्मिलित कर दें, तो आई प्रोपोर्शनल यच अपान टी। इस प्रोपोर्शनल की जगह बराबर और एक कांस्टेंट सी लिया गया तो आई इक्वल सी यच अपान टी, ये हो गया। और चूँकि ये काइयम अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़े थे, इसके पहले वाले में काइयम इक्वल आई बाई एच, ये समीकरण दो हो गए। यहाँ से आई का मान रखेंगे एच काइयम, तो आई का मान हो गया एच इंटू काइयम इक्वल सी इंटू एच अपान टी। देखिए काई एम इक्वल आई बाई एच, तो एच का हम पक्षांतर किए गुणा हो गया, तो आई की जगह हो गया एच काई एम, साई की जगह एच काई एम इक्वल सी एच अपान टी। दोनों पक्षों से एच कट गया, यहाँ से काई एम इक्वल सी अपान टी, ये बराबर और कांस्टेंट की जगह ये प्रोपोर्शनल हो गया, काई एम प्रोपोर्शनल टू वन अपान टी, यही क्यूरी का नियम है। ये क्यूरी का नियम है, फिर से एक बार समझ लें। क्यूरी ने 1895 में बताया अपने प्रयोगों के आधार पर कि चुंबकन तीव्रता आई चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता यच के अनुक्रमानुपाती होती है तथा यही चुंबकन तीव्रता आई परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दोनों को सम्मिलित करने पर आई प्रोपोर्शनल टू यच अपान टी। प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए बराबर और एक कांस्टेंट सी ले लिए तो आई इक्वल सी एच अपान टी, जहाँ सी क्यूरी ताप है, सॉरी क्यूरी नियतांक है। ठीक, तो इस ढंग से चूँकि हम जानते हैं काई एम इक्वल आई बाई एच, यहाँ से एच को पक्षांतर किए तो आई इक्वल काई एम इंटू एच, यहाँ आई का मान रखे काई एम इंटू एच, दोनों तरफ से एच को कैंसिल किए काई एम इक्वल सी अपान टी, बराबर और कांस्टेंट की जगह प्रोपोर्शनल, तो काई एम प्रोपोर्शनल वन अपान टी, ये क्यूरी का नियम है। भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए क्यूरी ताप भिन्न भिन्न होता है। सबसे पहले तो क्यूरी ताप को परिभाषित किया जाए। क्यूरी ताप, क्यूरी टेम्परेचर,
क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी ताप। वास्तव में जब हम चुंबकीय पदार्थों को गर्म करते हैं, जैसे लौह चुंबकीय पदार्थ को हम हथौड़े से पीटते हैं अथवा बहुत उच्च ताप तक गर्म करते हैं, तो उसके लौह चुंबकत्व का गुण अचानक लुप्त हो जाता है और पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाता है। तो भैया वह ताप जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय तथा नीचे लौह चुंबकीय होता है, क्यूरी ताप कहलाता है। तो क्यूरी ताप वह ताप है जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय व नीचे लौह चुंबकीय हो जाता है। ठीक, आपसे हमने कहा कि लौह चुंबकीय पदार्थ है, उसको आप हथौड़े से पीटिए अथवा क्यूरी ताप तक उसे गर्म कीजिए, तो उसका लौह चुंबकत्व अचानक विलुप्त हो जाता है और पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाता है। तो कहा गया कि वह ताप जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय तथा नीचे लौह चुंबकीय होता है, क्यूरी ताप कहलाता है। तो क्यूरी ताप वह ताप है जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय होता है और नीचे लौह चुंबकीय होता है। भिन्न भिन्न धातुओं के क्यूरी ताप भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे कोबाल्ट, आयरन, निकल के क्यूरी ताप, ये कोबाल्ट, आयरन, निकल, इनके क्यूरी ताप डिग्री सेंटीग्रेड, ये डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्यूरी ताप हैं। कोबाल्ट का क्यूरी ताप 1121 डिग्री सेंटीग्रेड, आयरन का क्यूरी ताप 770 डिग्री सेंटीग्रेड और निकल का क्यूरी ताप 358 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। चलिए, धन्यवाद।